लोक बाहेर जाताना स्टेटस टाकतात वे टू भूर. अरे बाबा तू भूर जाणार जा, आम्हाला काय करायचंय. अरे तू काय आलो तर आमच्यासाठी सूत्र. तुला गल्ली ओळखत का काळ कुत्र साक्षी. त्यांनी तुला ट्रोल करून त्यांना वाटत असेल त्यांनी लय केलं कांड. तू का नए भाई और लेडी डॉन पैदा हो रहे हैं. इंस्टाग्राम पर थेरगांव क्वीन के नाम से अकाउंट चलाने वाली युवती और उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ वागड़ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसे लेकर पुलिस ने साक्षी हेमंत श्रीश्रीमाल और उसकी सहेली साक्षी राकेश कश्यप को इस मामले में गिरफ्तार किया है. तो उनका एक युवक साथी कुणाल कांबरे अभी भी फरार है, जिसे पुलिस अब ढूंढने में लगी हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर थेरगांव क्वीन के नाम से अकाउंट चलाने वाली इस युवती का नाम साक्षी हेमंत श्रीश्रीमल बताया जा रहा है. साक्षी ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इसी सोशल मीडिया की मदद से वीडियो बनाया और उन्हें वायरल भी किया था, जिसमें इन सभी ने अभद्र टिप्पणी, अश्लील हरकतें, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी. इस वीडियो के प्रसारित होने से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले देश के अन्य युवा युवतियों की नीति भ्रष्ट होने के आरोप को लेकर वागड़ पुलिस थाने की महिला सब इंस्पेक्टर संगीता जीजा भाव गोड़े ने शिकायत दर्ज करवाई थी. साक्षी के द्वारा चलाए जाने वाले थेरगांव क्वीन नामक अकाउंट के फॉलोवर्स 40,000 से भी ज्यादा थे, इसलिए तीनों हर रोज अपने नए नए वीडियो इस सोशल साइट पर प्रसारित करते थे, जिसे लेकर अब आकर पुलिस थाने में इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद इस पर रोक लगा सकती है. तो आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे, इसलिए पुलिस के द्वारा इन लोगों के खिलाफ गंभीर रूप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. थेरगांव क्वीन इस नाम से एक अकाउंट चलाती है साक्षी हेमंत श्री श्री माल, और उसका साथी है कुणाल कांबड़े. ये गणेशपेट का रहने वाला पुणे का है, और इसकी तीसरी मित्र है साक्षी रमेश कश्यप. ये तीनों मिलकर बहुत ही अश्लील भाषा में, बहुत ही खतरनाक धमकी भरे स्वर में अपने आप को डॉन की तरह प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं. ये इंस्टाग्राम में इस तरह करके वातावरण को अश्लील बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन चीज़ों की कानून के अनुसार गलत माना जाता है, और इसीलिए हमने उनके खिलाफ इनिशिएटिव लेते हुए हमारी महिला पुलिस उपनिरीक्षक संगीता जीजा भाऊ गोड़े इसने केस दर्ज करवाया, अपराध दर्ज करवाया है आईपीसी की धारा 292, 294, 506, 34 के अंतर्गत. और इतना ही नहीं, कलम 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज है.